एथनिसिटी अगर हम बोलें तो क्या है? तो एथनिक ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, भारत में जैसे एक से ज्यादा एथनिक ग्रुप हैं, जो ग्रुप कॉमन फिजिकल और सोशियो कल्चरल ट्रेड शेयर करते हैं। कॉमन यानी नॉर्थ इंडिया में जितने लोग रहते हैं, आप कह सकते हो कि वो एक कॉमन फिजिकल या कॉमन सोशियो कल्चरल ट्रेड शो करते हैं। कॉमन फिजिकल और कॉमन सोशियो कल्चरल, ये की वर्ड है, कॉमन फिजिकल और कॉमन सोशियो कल्चरल। तो इसीलिए हम लिख देते हैं इसको तो इसीलिए जो है एथनिसिटी क्या है, कल्चरल कॉन्सेप्ट है। एथनिसिटी एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है और ये रेस से अलग है। रेस और एथनिसिटी में फर्क होता है, ठीक है जी। यानी कि एक एथनिक आइडेंटिटी कल्चरल सिंबल्स के ऊपर हो सकती है, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, हेरिटेज, कस्टम्स, इन सब के बेसिस के ऊपर, रेस के ऊपर हो सकती है। जब आप इस ये बोल के आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या लोगों को, समूह को करते हैं, तो वो भी अपने आप में कहलाएगा एथनिक मोबिलाइजेशन। वो कहलाएगा एथनिक मोबिलाइजेशन। जैसे आप पटेल, जाट, वो भी अपने आप में एक एथनिक वो हुआ। तो एथनिक मोबिलाइजेशन क्या हुआ? व्हेन यू ट्राई टू मोबिलाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन हिस्ट्री, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन रीजन, कॉमन हेरिटेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कस्टम्स, कॉमन कल्चर्स, ये सब कहलाएगा आपका एथनिक मोबिलाइजेशन। जो एथनिक ग्रुप माइनॉरिटी में होते हैं वो अपने आप को जरूर मोबिलाइज करते हैं, लेकिन इंडिया में जो है स्पेसिफिक नॉमनक्लेचर है, जैसे लिंग्विस्टिक मोबिलाइजेशन, कॉम्युनल मोबिलाइजेशन, दलित मोबिलाइजेशन, कास्ट मोबिलाइजेशन, ट्राइबल मोबिलाइजेशन, ऐसे भारत में शब्द प्रयोग किए गए हैं। क्योंकि भारत में इतनी विभिन्नता है, जैसे मैंने कहा लिंग्विस्टिक मोबिलाइजेशन, कॉमनल मोबिलाइजेशन, दलित मोबिलाइजेशन, और कास्ट मोबिलाइजेशन। तो ये जो मोबिलाइजेशन है डिस्टिंक्शन शो करता है, अनलाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट और रेशियल मूवमेंट्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कोई कोई ऑथर्स कॉम्युनल को और एथनिक को भी एक साथ रख सकते हैं। जैसे पॉल ब्रास, वो बोलते हैं कॉम्युनल मूवमेंट्स और एथनिक, वो एक ही साथ है। यूजेस ठीक है जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे करते भी नहीं है। दीपांकर गुप्ता जी ने एक किताब लिखी थी, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी, सिख आइडेंटिटी के ऊपर किताब थी, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथनिसिटी।
उसमें उन्होंने कम्युनलिज्म और एथनिसिटी में डिफ्रेंशिएट किया। तो उन्होंने कहा एथनिक मोबिलाइजेशन, जैसे आप सिख कहेंगे कि हमें जो है खालसा स्टेट चाहिए, तो वो नेशन स्टेट से रिलेटेड हो सकता है, टेरिटरी से रिलेटेड हो सकता है, सोवरनिटी से रिलेटेड होता है। कॉमनल मोबिलाइजेशन में उन्होंने कहा कि स्टेट और सोवरनिटी और टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, एथनिक में आ जाता है। सो एथनिसिटी एक रिलेटिव टर्म हो गया। एक एथनिक ग्रुप अपने आप को दूसरे एथनिक ग्रुप से डिफ्रेंशिएट कर सकता है और वो फील कर सकता है कि उसकी आइडेंटिटी कैसे प्रजर्व होगी, उसके इंटरेस्ट कैसे प्रजर्व होंगे बाकियों से, और जो प्रोसेस जुड़ा हुआ है उसके अंदर से सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट भी चल सकती है, ऑटोनॉमी की मूवमेंट भी चल सकती है, इंसर्जेंसी भी हो सकती है। जैसे अब मान लो उल्फा उग्रवादी जो हम कहते हैं, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा, तो वो आप अपने आप को एथनिक ही मान लो उस तरीके से। आप एथनिक कॉन्शियसनेस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही साथ साथ में चलते रहे। तो पॉल ब्रास जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी एथनिसिटी एंड स्टेट, पॉल ब्रास की किताब है, उन्होंने इस किताब में बताया कि डिफरेंट टाइप की एथनिसिटी कैसे हो सकती है। एक उन्होंने कहा इंट्रा एथनिक का मतलब होता है कि विदिन एथनिक आइडेंटिटी देर आर डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज, उसको कहते हैं इंट्रा एथनिक। जैसे इस्लाम की बात करेंगे तो शिया सुन्नी उसी के अंदर आ गए वो, या हिंदुस्तान में अगर हम बात करेंगे तो अगर शैव और वैष्णव को आप जबरदस्ती बहुत अलग कर दोगे तो वो आ गए। फिर आ गया आपका एथनिक स्टेट, मतलब एथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट। क्या कोमल आप भारत में कोई एग्जांपल दे सकते हो एथनिक ग्रुप वर्सेस स्टेट का? दो कोमल जी कोई एग्जांपल दो। बोलो सर, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हाँ क्या बोला, जैसे जैसे क्या? कोमल याद आ रहा है? सर जैसे नागा मूवमेंट होगी सर। वेरी गुड, कैसे याद आया नागा? द्रविड़ियन नहीं हो सकता, क्या कह रही हो? कोमल क्या कह रही हो, सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं सर। अरे कैसे याद आया, मैंने बोला सर जब एग्जांपल दिए थे ना सर, से जो पिछले वाला चैप्टर किए थे तो उसमें भी था सर। सो एथनिक मूवमेंट की कंसर्न रहती है कि हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल हमारा सॉलिडेरिटी मिले, और हम जो अगर मार्जिनलाइज्ड हैं तो हमें मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिले, हमें दबाया ना जा सके बाहर वालों के द्वारा, ऐसा एथनिक मूवमेंट का एक कंसर्न रहेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कम्युनिटी जो बिल्कुल डिप्राइव्ड है वही एथनिक मूवमेंट चालू करेगी। वेल ऑफ भी कर सकती है, वेल ऑफ भी अपने आप को सोच सकती है कि भाई मैं डिप्राइव्ड हूँ, क्योंकि एक तो होता है रिलेटिव डिप्रिवेशन, एक होता है परसीव डिप्रिवेशन। दो थ्योरी हैं, एक है रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, एक होता है परसीव डिप्रिवेशन। एक तो यानी कि जो वाकई दूसरों के मुकाबले में कोई अगर मान लो डिप्राइव्ड है तो आप उसको कहोगे भाई रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, लेकिन कोई अगर मानता ही नहीं अपने आप को तो उसको कहा जाता है परसीव डिप्रिवेशन।
एक हो गया रिलेटिव डिप्रिवेशन, एक हो गया परसीव डिप्रिवेशन, दो थ्योरीज जैसे मैंने आपको बताई। तो रिलेटिव डिप्रिवेशन यानी कि विद इन कंपैरिजन टू सम अदर कम्युनिटी सम अदर ग्रुप यू आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड, और एक होता है परसीव डिप्रिवेशन। जरूरी नहीं आप डिप्राइव्ड हो, आप अपने आप को मानते हो, और जरूरी नहीं है कि आप डिप्राइव नहीं हो, लेकिन आप वाकई डिप्राइव हो, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। सो देयर कैन बी डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड रीजनल डिस्पैरिटीज डिसाइड करती हैं कि किस तरह से जो है एथनिक सिटी का जो एलिमेंट है वो कैसे राइज करेगा या कैसे दिखेगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, वे ऑफ लाइफ आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाएगा। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि इन कंपेयर टू द अदर रीजन दैट रीजन इज वेरी वेल डेवलप्ड और नॉट। दूसरा आएगा आपका मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न फोर्सेस हैं, मॉडर्न एलिमेंट्स हैं, हाउ दे आर वर्किंग, एंड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। कोई हिस्टोरिकल रीजंस भी हो सकते हैं पीछे होने के। मॉडर्नाइजेशन जब हम कहते हैं तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आया, नेशनलिस्ट लीडरशिप ने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को रेज किया, एक सेकुलर एंड लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके अपने फायदे होंगे। कॉलोनियल पीरियड ने क्या किया, कॉलोनियल पीरियड ने एक सेंट्रलाइजेशन लेके आया, वो हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन थ्रू कोएर्सिव मशीनरी। कैसी मशीनरी? कोएर्सिव मशीनरी, क्योंकि वो चाहता है कि कोई भी सिस्टम से काम हो इम्पर्सनल तौर पे हो, जैसा कि वेबर्स के थ्रू हमने पढ़ा था ब्यूरोक्रेसी में, वो हिस्टोरिकल रीजन की बात हो गई। आप कोई भी ग्रुप होगा वो आपके कॉम्पिटिटिव भी होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज के लिए फाइट करेगा, डेवलपमेंट जो है उससे आपको फायदा भी हो सकता है, और एथनिक मोबिलाइजेशन से एथनिक ग्रुप्स को फायदा होगा, वो बार्गेन कर पाएंगे, ठीक है जी। और एक और कारण होता है, जैसे एक बड़ा ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप है, उसके अंदर जो बाकी छोटे ग्रुप्स हैं उसको आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, इससे कॉलोनियलिज्म की तरह एक फीलिंग आती है, कॉलोनियलिज्म आ जाता है। दूसरा एथनिसिटी की बात आती है, जब आप उनके कल्चर को प्रैक्टिस नहीं करने देते, जब आप उनके कल्चर को यू नो लॉस ऑफ आइडेंटिटी की तरह देखा जाता है, उनका कल्चर जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता, वो कल्चरल डिप्रिवेशन हो गया। और एक्सटर्नल प्रोवोकेशंस, यानी बिना बात के किसी चीज को ना चाहते हुए भी आप तूल दे दो, आप हंगामा करने को दे दो, वो भी एक एक्सटर्नल, वो भी मतलब जैसे अब इंडिया के अगेंस्ट जैसे मालदीव्स में हो रहा था, या कभी कभी नेपाल में भी हो जाता है, हो रहा था ना इंडिया के अगेंस्ट अभी, चल यस सर, हो रहा था, नहीं हो रहा था सर, हो रहा था इंडिया और मालदीव से काफी आर्टिकल्स भी आए थे। तो इसीलिए जो है ट्राइबल इंडिया में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ट्राइबल्स की कल्चरल और उनकी एथनिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। और जैसे बहुत साल पहले आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी, बात समझ में आई मेरी, आदिवासी महासभा, ठीक है जी। ऐसे ही जो है आप अगर ब्रिटिश टाइम की बात देखो तो
आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न गोदावरी हिल्स में हुआ था, कौन सा रेबेलियन हुआ था? आंचल, हाँ कौन सा? पिभावा कैसे हो जाएगा यार, पागल वाली बातें कर रही है। रमापा रेबेलियन किसके अंदर में हुआ था? बोलो कोमल। अल्लूरी सीताराम राजू, ऐसे ही। अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखोगे आर्टिकल 370 के पहले तो लेह में हुआ, फिर वो जो है फिर आपका सेपरेट स्टेट की कार्विंग हुई, जैसे झारखंड है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग एथनिक और आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं। इंसर्जेंसी मूवमेंट नागा के केस में जैसे हमने बोला, तो ट्राइबल मूवमेंट जो है या कोई और भी मूवमेंट है, ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो शेयर करती हैं अपने कस्टम को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, वे ऑफ लाइफ को। आउटसाइडर जब आते हैं, जब उनको क्रश करते हैं, जब उनको एकदम इंस्लेव कर लेते हैं, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि हम आपस में सब मोबिलाइज करके आप आउटसाइडर के अगेंस्ट लड़ो। तो ये बहुत पहले से होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्राइबल इश्यूज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, वो अभी तक पूरे सॉल्व नहीं हुए, नेगलेक्ट भी है उस रीजन का, ठीक है ना। इसीलिए जो है बार बार कुछ ना कुछ होता है। तो वहाँ पे ऑटोनॉमस एरियाज भी हैं, जैसे बोडो है, खासी हैं, और नागास तो है ही, सेपरेट सेपरेट डिमांड होती रही है। असम में मारवाड़ी भी हैं, बंगाली भी हैं, असम में बिहारी भी हैं, असम में बांग्लादेश से भी हैं। तो यानी जितनी सोसाइटी है उससे जब आप अपने को इंटरेक्ट करते जाओगे और डिफरेंशिएटेड तौर पे ग्रो भी करोगे, डिफरेंट क्लास डेवलप होगी, डिफरेंट डिवीजन डेवलप होंगे, डिफरेंट आइडेंटिटी डेवलप होगी, तो उसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो आइडेंटिटी बन गई है। जैसे ज़ाज़ा रिपोर्ट जब आप पढ़ोगे, जो विर्जीनियस ज़ाज़ा रिपोर्ट है एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, तो ट्राइबल मूवमेंट्स का आपको एक डायरेक्शन दिखाई देगा। इसीलिए जो डिमांड है और गोल है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कुछ सिंपल डिमांड होती है कि हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारी कम्युनिटी को बचाया जाए, कोई खास डिमांड नहीं होती, हमारे कल्चर को वैल्यू की जाए, हमारे धर्म के नाम की छुट्टी हो, समझे आप। जैसे मुर्मू अभी आ गया तो भैया संथाल ट्राइबल्स को थोड़ी और डिग्निटी, थोड़ी और वैल्यू, थोड़ा और प्यार दर्शेगा आम आदमी की भाषा में। दूसरा होता है कि उनकी लीडरशिप के लिए होता है, लीडरशिप कैसी है, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी है, आउटसाइड लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे द्रविड़ मूवमेंट में देख लो, खालिस्तान मूवमेंट में देख लो, नॉर्थ ईस्ट में देख लो। तो एथनिक और आइडेंटिटी मूवमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लेती हैं, रीजनल ऑटोनॉमी के लिए भी होती हैं। इसीलिए एक शब्द और यूज किया गया उसके लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट। भारत एक गणराज्य है, भारत में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इस तरीके से हैं कि वो अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, वो वॉलंटरी यूनियन नहीं, अनडिस्ट्रक्टिबल है। तो इसीलिए जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट्स यहाँ पर, जैसे खालसा, खालिस्तान जिसको हम बोलते हैं, खाला, खालसा वाला, इसकी कोई जगह नहीं है रूल ऑफ लॉ में, इसको एंटी नेशनली माना जाएगा। सेपरेट लैंग्वेज प्रिजर्व करना अलग बात है। जैसे रिजेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई द नागाज, उसको भी नहीं माना जाएगा। द्रविडियन एथनिक मूवमेंट अलग मानने की बात करती है, उसको भी नहीं माना जाएगा। तो एथनिक मूवमेंट है, आगे भी होंगी, एथनिक मूवमेंट जो है वो रीजनल, रिलीजियस और इकोनॉमिक, तीनों उसके ऊपर हो सकती हैं। रीजनल, रिलीजियस और इकोनॉमिक, बात समझ आई जी मेरी? हाँ चल जी आ गई सर।
यही है भाई आपके एथनिक में, इसका एक मैप देख लेना ढूंढ के, ना मिले तो बता देना। और ये आपका एथनिक और आइडेंटिटी, क्योंकि साथ है एथनिक और आइडेंटिटी, तो रेस नहीं है, रेस उसका एक एलिमेंट है। अब अगर हम बात करें नए चैप्टर की, या इसमें कुछ और पूछना है किसी को? ब्रिजवाला जी, वेयर आर यू पोस्टेड टुडे? पीसीआर। ओ बोलो आंचल, कोई डाउट? सर, ये जो जवाहर वर्ड यूज किया जाता है अलकायदा और उसके कंटेक्स्ट में, उसको भी हम एथनिक मूवमेंट बोल सकते हैं? अलकायदा यार टेररिस्ट ग्रुप है, अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप है। हाँ ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। यस सर। सर आप ये नहीं कराओगे ट्राइबल एथनिक मूवमेंट? ट्राइबल, एथनिक मूवमेंट तो अभी अभी हमने किया, तो ट्राइबल एथनिक में क्या करना है? और आज हमने क्या नहीं किया? सर, किया है पर वो एक मैप ढूंढ लो, उसमें मॉडर्न जो इश्यूज हमने एनवायरनमेंट वाले किए वो ट्राइबल के भी हैं, और जो ट्राइबल हैं वो एथनिक भी हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझना है पहले, तो हमने ट्राइबल और एथनिक का पहले कॉन्सेप्ट किया है। तो एथनिक जैसा मैंने समझाया क्या है, और ट्राइबल का जैसे आप मान लो माइनिंग के अगेंस्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो एग्जांपल ले लोगे छत्तीसगढ़ में, साउथ इंडिया में, अरावली हिल्स में। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला है कि भाई वहां कोई माइनिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये वाली बात है। बताइए बताइए, ओके आप एक क्वेश्चन करके देखिए और उसके बाद फिर पूछिएगा, फिर दोबारा बता देंगे। बताने में कुछ नहीं है, छोड़ हम कुछ भी नहीं रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। देखिए,
जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन सबको पता है, लेकिन डायनेमिक शब्द यहां क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन इज दैट द कीवर्ड इज नॉट पॉपुलेशन, द कीवर्ड इज पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ठीक है जी, कीवर्ड क्या है, डायनेमिक्स है कीवर्ड। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन प्रोडक्टिव भी हो सकती है, पॉपुलेशन बर्डन भी हो सकती है, रिसोर्सफुल भी हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स। जैसे पढ़ाई का भी है डायनेमिक्स, क्या डायनेमिक्स है पढ़ाई की। एक बहुत टाइम पहले थॉमस माल्थस नाम के एक यू कैन से इकोनॉमिस्ट फिलोसोफर थिंकर, उन्होंने कहा जब जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तब तब डूम आएगा, सत्यानाश होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, धरती का अंत भी हो जाएगा अगर आप चलते रहे इसी प्रकार से। लेकिन चाइना, चाइना इज एन एग्जाम्पल वेयर लार्ज पॉपुलेशन, चाइना की लार्ज पॉपुलेशन क्या बन गई, उनके लिए एसेट बन गई, आज की डेट में भी एसेट ही है। रिसेंटली इट वॉज प्रोजेक्टेड, अगर हम इस बार के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें, दैट वेरी सून इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और इंडिया विल बी द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आपको मार्केट के तौर पे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, व्हेन यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यू आर ए बिग लेबर मार्केट ऑल्सो। हमारे यहां कभी भी ऑटोमेशन उस तरीके से नहीं हो सकता जैसा जर्मनी और जापान में होगा, क्योंकि यहां लोगों की कोई कमी नहीं है। सो ह्यूमन लेबर यहां पर क्या है, चीप है। तो इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। क्या वो हर्डल है ग्रोथ में, या उसके साथ या उसके बिना ग्रोथ हो ही नहीं सकती, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो तीन डिटरमिनेंट्स होते हैं, एक साइज, एक ग्रोथ और एक डिस्ट्रीब्यूशन। वन इज साइज, वन इज ग्रोथ, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या साइज है पॉपुलेशन का, कैसे वो ग्रो कर रही है, और क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिसाइड्स कि पॉपुलेशन क्या है, कितने पर्सन बॉर्न हुए, कितने डाई हुए, कितने ऐड हुए। सेंसस हमारे देश में भी होने भी वाला है, प्लीज उसको ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ, फिर उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वो भी आप पढ़िएगा। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। हमारी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, अभी अभी जब भी पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, कोई बात होती है, तो हम जनसंख्या भी बात जरूर करते हैं। इसीलिए कुछ राज्य और कुछ पॉलिटिशियन बात करते हैं पॉपुलेशन इम्बैलेंस, कहते हैं स्टेट में पॉपुलेशन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तब पॉपुलेशन लेकिन जो होती है, आप देखिएगा सेंसस में, इंडिया बुक में भी देख लीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ विच ग्रुप, इसको एक केस स्टडी की तरह करिए। लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। कोमल बताओ जरा एक आध, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है, बताइए कोमल जी। बताइए कोमल जी, वेरी गुड, ब्रिजबाला जी ने जैसे बोला गैंजेटिक प्लेन्स, और बताइए।
बताइए बताइए। आंचल जी आप बोलो। जॉब सीकर्स, अवेलेबिलिटी, वेदर, क्लाइमेट, वेरी गुड। और कुछ पॉइंट सोचिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अगर मैं आपको कुछ वर्ड बोलूं जो आपने एक तरीके से नहीं लिखे लेकिन कहना वही चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा माइग्रेशन। माइग्रेशन इज वन ऑफ द की वर्ड्स। फिर मैं कहूंगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ ए प्लेस, जैसे जिसको ब्रिजवाला जी ने गैंजिस प्लेन्स और वो सब कहा है। फिर मैं कहूंगा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। बात समझ में आई? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, डिटरमिनेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ?
कैसे पता लगेगा कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, भारत की पॉपुलेशन कब तक ग्रो करती रहेगी, कब तक वो नीचे आएगी, इसके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो क्या होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स, आप सोचेंगे तो आपको पता है, लेकिन आई एम जस्ट पुटिंग देम फॉर यू। पहली बात तो होते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि किस प्रकार से आपकी जो जनगणना का आधार क्या है, मतलब जो जनसंख्या है उसमें बर्थ रेट आएगा, मॉर्टिलिटी रेट आएगा, मॉर्बिडिटी आएगी, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये आ गया आपका डेमोग्राफिक फैक्टर्स, उससे पता लगता है क्या हो रहा है। ग्रोथ रेट हाई है तो इसका मतलब डेथ रेट कंट्रोल में, तो कंट्रोल हो गई है। बर्थ आप अनचेक करे जा रहे हो, बर्थ रेट भी कंट्रोल कर लिया, डेथ रेट रोग कंट्रोल कर लिया आपने, बर्थ रेट भी कंट्रोल कर ली, तो आपके रिप्लेसमेंट लेवल नीचे आ जाएंगे। फैमिली प्लानिंग करोगे नहीं, मेडिकल एडवांसमेंट है जी, खाने को भी है, पीने को भी है, सोने को भी है। हिंदुस्तान जैसी जगह पर तो ये भी कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉपुलेशन का एक कारण है। बैठे बैठे करें क्या, क्या करें बैठे बैठे, इससे भी पॉपुलेशन बढ़ती है। ऊपर से पॉपुलेशन कंट्रोल का सारा ठेका आप फीमेल को दे दोगे, भाई तू ही गोली खाएगी, तुझे ही जो है फैमिली प्लानिंग के लिए डॉक्टर के जो मेडिकल सिस्टम एडवाइस होता है वो आप ही लेके चलोगे, मेल को कुछ मत कहिए। ये भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, क्या पैट्रियार्कल समाज में मेल नहीं अपने आप को रोकेगा, मेल फैमिली प्लानिंग के लिए आगे नहीं आएगा वो, वरना नाम मर्द हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर एजुकेशन सोसाइटी हर चीज से जुड़ते हैं। फिर इकोनॉमिक फैक्टर आएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कि भाई आप मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, इकोनॉमिक स्ट्रेस आएगा। अब आपके फैमिली कमजोर है, आप सोचते हो चार बच्चे हो जाएं, छह हो जाएं, काम करने वाले ज्यादा होंगे, काम ज्यादा होगा तो पैसा भी ज्यादा है, चलो भैया भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, हो गया जी। तो मतलब हमें सोचना पड़ेगा, सबको एक सहयोग की दृष्टि से देखना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल स्टेटस की बात है, लेस एजुकेटेड फैमिली वो प्लानिंग नहीं कर पाते, उनके पास आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद जो है आपका सोशल वैल्यूज की बात है, हाई सोसाइटी भी है तो लड़का चाहिए, यू वांट बॉय एट एनी कॉस्ट, यू वांट ए बॉय, बॉय के चक्कर में चार गर्ल्स भी आ सकती हैं और उनका बर्थडे भी नहीं मनेगा फिर, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू जस्ट जनरल थिंग्स, नेचुरल कैलामिटी हो गई जैसे जैसे कोरोना हो गया, कोविड, ये भी आपको फोकस करता है, क्लैमिटीज भी फोकस करती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लेगेसी आगे चले। तो नेचुरल कैलामिटीज या मैन मेड कैलामिटीज वो भी एक कारण है जनसंख्या के अचानक से बढ़ने का। माइग्रेशन, जैसे अब कॉलोनियल रूल के बाद मॉरिशियस है, फिजी है, सेशल्स है, और भी कंट्रीज है जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन ने माइग्रेट किया, ऑस्ट्रेलिया है, वहां की पॉपुलेशन बढ़ी, भारत में तो माइग्रेट ही नहीं हो रहा है, भारत से तो माइग्रेट हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अभी इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर ने बहुत टाइम तक डिस्कस भी किया, एज ऑफ मैरिज, कि लड़कियों की एज की मैरिज बढ़ती चली जाएगी तो नेचुरली उससे भी फर्क आएगा, मैरिज की स्पेलिंग देख लीजिएगा। और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कल्चरल फैक्टर्स, कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करने आप जो है इस बात का रिलीजियस लीडर अगर वो कर देगा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेंगे, ये हमारे समाज के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो रोल ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है फूड प्रोडक्शन, अगर फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है तो इससे भी आपकी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। राशन आप सबको दिए जा रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो मतलब बहुत फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अब लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो लोग भूखमरी और लैक ऑफ फैसिलिटीज से डेथ नहीं होती है,
लाखों लोगों की जान बच रही है। कोरोना में हमने कितने लाखों लोगों की जान बचा रही है भारत में, भारत ने अमेरिका, स्पेन, चाइना, चाइना तो आई वोंट से, चाइना का तो पता ही नहीं है, लेकिन हमने बहुत लोगों की जान बचाई है। तो ये सारे फैक्टर जो मैंने आपको गिनाए, और इवन सैनिटेशन भी, सैनिटेशन से जो डिजीज होती हैं, लैक ऑफ सैनिटेशन से, उसकी वजह से भी भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। स्वच्छ भारत अभियान चला है, लाखों लोगों को मतलब सैनिटेशन की कीमत पता चली है, और कोरोना जैसी बीमारी तो सैनिटेशन पे ही डिपेंडेंट है। अब आपका मॉन्की पॉक्स आ चुका है, तो अब देखते हैं, आई होप उससे हम अच्छे से लड़ लेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये आपको दर्शाते हैं कि हाउ टू फाइट, हाउ टू डू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर आप बात करोगे कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो इसकी एक हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस। कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, विद इन द गिवन रिसोर्सेज, एक एक मतलब जो है कंपोनेंट की क्या मैक्सिमम कैपेसिटी है पॉपुलेशन को कैरी करने की। दिल्ली की कैपेसिटी कितनी है, चंडीगढ़ की कितनी है, हरियाणा की कितनी है, अरुणाचल प्रदेश की तो थोड़ी है, मतलब थोड़ी कैपेसिटी नहीं है, थोड़ी वहां पर अभी बर्डन है। दिल्ली में तो बर्डन बढ़ता जा रहा है, एनसीआर का बर्डन बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो कैरिंग कैपेसिटी हाइपोथेसिस, हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इट कैन, हाउ मच नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज इट कैन हैंडल। ऐसे ही आपके प्लान्स हैं, सक्सेसफुल स्कीम्स एंड प्लान्स, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ का। फिर पॉवर्टी स्कीम्स जो आपकी आती हैं, वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़ी हुई हैं। MNREGA की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, वो भी ग्रास रूट लेवल पे नहीं होती। रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और जैसा मैंने कहा इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल फॉर्मेशन का, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन, हमारा जो इकोनॉमिक पैटर्न है वो पैटर्न वेस्टर्न कल्चर से डिफरेंट है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, हमारा सेल्फ कंजम्पशन यानी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से हमें आज तक यही नहीं पता कि हमारे पास गोल्ड कितना है। मैं गोल्ड की बात मार्केट गोल्ड की बात मैं मंदिरों में नहीं कर रहा हूं, घर में ही नहीं पता कितना गोल्ड। हिंदुस्तान के हर घर में गोल्ड तो है भाई, छोटे छोटे लड़कियों ने भी पहने होते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, दादा मामा नाना चाची कहीं ना कहीं से आएगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी जो मैंने अब तक बताई। इस पर सोचिए, वर्क कीजिए, आइडिया लगाइए कि हाँ पॉपुलेशन डायनेमिक्स में और क्या क्या सोचा जा सकता है, ताकि हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपोनेंट्स यानी जैसे मैंने बर्थ कहा था, मॉर्टेलिटी कहा था, माइग्रेशन कहा था, उसके ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे। कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछिए, और कल हम इसको फिनिश कर दें। बोलिए जल्दी, नो डाउट, कल ये चैप्टर हम फिनिश करके देन वी विल मूव टू द लास्ट चैप्टर। आई बिलीव लास्ट चैप्टर होना चाहिए इसके बाद, वट एवर इज रिमेनिंग वी विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। बट प्लीज कोरिलेट, एक क्वेश्चन आएगा कंटेम्प्रेरी आएगा, और उसमें कोई खास थ्योरी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट भी जरा सा घुमाना है हल्का सा, एंड देयर यू आर विद सक्सेस। ओके, तो विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, प्लीज गेट बैक विद अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस एंड डाउट्स। Thank you very much.